हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 2010 के पहले वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में, और जानेंगे कि उनको सीओपी कैसे मिलेगी। क्योंकि 2010 के पहले वाले जो एलएलबी किए हुए हैं, यानी 10 के पहले जो एलएलबी पास हैं, उनको जो है एआईबी एग्ज़ाम से छूट दी गई है। वो जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको एआईबी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो एआईबी एग्ज़ाम नहीं देंगे और उनको एआईबी पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो उन्हें सीओपी स्टेट बार काउंसिल कैसे इशू करेगी। तो उसी संबंध में बात करेंगे कि जो लोग एआईबी नहीं पास किए हैं या जिनको छूट है एआईबी देने से, उनको जो है सीओपी कैसे मिलेगी। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, सारी बातें मैं इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई इशूज है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि 2010 के पहले जो एलएलबी कर चुके हैं उन्हें सीओपी कैसे मिलेगी। चूँकि 2010 के बाद वाले जो एलएलबी जो पास कर रहे हैं 2010 के बाद से, उनको जो है एआईबी एग्ज़ाम देना पड़ता है। एआईबी एग्ज़ाम देने के बाद से उसकी पासिंग जो मार्कशीट होती है उसको लगा करके डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, तब जाकर उनको स्टेट बार काउंसिल जो है सीओपी इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है। तो अब सवाल यह है कि जो एआईबी पास किए बिना इनरोल्ड हैं, जिन्हें एआईबी से छूट है, उन्हें कैसे मिलेगी। तो देखिए, उनके लिए एक और फॉर्म आता है जिसे वेरिफिकेशन फॉर्म कहते हैं। तो वेरिफिकेशन फॉर्म भरना उन कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य होता है जिनको सीओपी चाहिए और जो 2010 के पहले एलएलबी पास आउट हैं। आपको भी जो 2010 के बाद से जो लोग एलएलबी पास आउट हैं, जो एआईबी पास किए हैं, उनको भी जो है वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होता है। लेकिन ये वेरिफिकेशन फॉर्म जो है हर 5 साल पे जो है भरा जाता है, क्योंकि उनको डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू सीओपी मिलती है। लेकिन जो 2010 के पहले वाले एलएलबी पास हैं, जो एआईबी से जिनको छूट है, उनको डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, उनको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। और वेरिफिकेशन फॉर्म भरने के बाद से जो है उनको सीओपी जो है स्टेट बार काउंसिल देती है। तो जो 2010 के बाद वाले एलएलबी पास आउट हैं, उनको जो है वेरिफिकेशन फॉर्म जो की जगह डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, तब सीओपी मिलती है। और जो 2010 के पहले एलएलबी पास हैं, उनको जो है वेरिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद से उनको सीओपी मिलती है। तो 10 के बाद वालों के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, 10 के पहले वालों के लिए वेरिफिकेशन फॉर्म है। 10 के बाद वालों को एआईबी पास करना अनिवार्य होता है, 10 के पहले वाले को जो है एआईबी पास करने से छूट है, और 10 के बाद वालों को जो है एलएलबी एआईबी जो है परीक्षा देना अनिवार्य होता है। तो ये डिफरेंस होती है। जो 2010 है, एक समझिए एक जो है बॉर्डर लाइन है। 10 के पहले वाले एलएलबी जो पास हैं वो एआईबी से छूट रहेगा, जो 10 के बाद एलएलबी पास कर रहे हैं उनको एआईबी में बैठना अनिवार्य रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेज होती है। तो जो लोग 2010 के पहले एलएलबी पास हैं, वो जो है वेरिफिकेशन फॉर्म भरेंगे, तब उनको जो है सीओपी मिलेगी। तो जो लोग अभी तक जो है वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो वेरिफिकेशन फॉर्म चूँकि इस समय भरा भी नहीं जा रहा है, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस वजह से अभी स्टेट बार काउंसिल की तरफ से वेरिफिकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो अभी आप लोग वेरिफिकेशन फॉर्म के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, रोक लगी हुई है। तो वेरिफिकेशन फॉर्म आपको जो 10 के पहले वाले हैं उनको भरना पड़ता है। तो इस तरीके से उनको जो है जो सीओपी होती है वो इशू होती है। और एक बार और आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को कि जो 10 के पहले एलएलबी पास हैं, वो चाहे जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे स्टेट बार काउंसिल में, उनको जो है
AIB एग्ज़ाम से छूट है, यानी कि उन्हें AIB एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि जो फीस स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बार काउंसिल ने यूपी बार काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि जो LLB पास करने के बाद से 5 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है और 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराता है स्टेट बार काउंसिल में, तो उससे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस लिया जाएगा। और 10 साल बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उससे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस लिया जाएगा। तो ये फीस जो है आपके जो मूल फीस है उसमें ऐड की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो में दिया हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके जो भी प्रश्न हैं जिस भी टॉपिक से संबंधित है उसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।